राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम दादाजी। इस कार्यक्रम में दादाजी कबूतर के बारे में बताएंगे। आलेख जीडी शर्मा का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। तो भाई आज तो तुम सब बहुत खुश नजर आ रहे हो। दादाजी जो आ रहे हैं, चलो दोस्तों आज मिलो अपने दादाजी से। ये तो आप कबूतर की बोली बोलने लगे। हाँ हाँ बिटिया, खूब पहचाना, खूब पहचाना। और ये भी पहचान लिया कि तबले की तरह मैं बोल रहा हूँ। प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, पहले सब बच्चे अपने दादाजी से राम राम तो कहो। ओए होए भाई, जोर से बोलो राम राम। खुश रहो बच्चों, खुश रहो। फूलों से महको, चिड़ियों से चहको, चंदा से चमको, खुश रहो, सब खुश रहो। अच्छा तो मैं क्या कह रहा था? आप कबूतर की तरह गुटरगू कर रहे थे। हाँ याद आया। बच्चों मैं तुम लोगों को एक दिन की बात बताने जा रहा था। एक दिन शाम को मैं खेतों की ओर जा रहा था। कहाँ जा रहा था? खेतों की ओर। हाँ खेतों की ओर जा रहा था। सूरज अभी छिपा नहीं था, छिपने वाला था। मैं एक पोखर के किनारे पहुँचा तो वहाँ पेड़ों का एक बड़ा सा झुरमुट था। क्या था? झुरमुट। हाँ पेड़ों का झुरमुट था। चिड़ियों का शोर हो रहा था। वहाँ तरह तरह की चिड़ियाँ चहक रही थी, फुदक रही थी, फड़क रही थी। पास में ही एक मोर अपने पंख फैलाए नाच रहा था। दादाजी वहाँ कबूतर नहीं थे क्या? हाँ यही तो मैं सोच रहा था। अगर कबूतर होते तो गुटरगू गुटरगू करके उस नाच गाने में रंग ला देते। क्या ला देते? रंग। हाँ उस नाच गाने में रंग ला देते। हाँ दादाजी, हमने कभी पेड़ के ऊपर कबूतर का घोंसला बना हुआ नहीं देखा। हाँ हाँ नहीं देखा होगा, पर पूछो क्यों? क्यों? ओए होए, अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है? कबूतर तो पक्के मकानों के छज्जों के नीचे बने छेदों में अपना घोंसला बनाकर रहता है। आ हा 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 हा, लगता है इसे शानो शौकत पसंद है। तभी ये और पक्षियों की तरह पेड़ पर नहीं रहता है। और बच्चों
एक मजेदार बात और बता दूं, ये शानो शौकत पसंद कबूतर बिल्ली से बहुत डरता है। किससे डरता है? बिल्ली से। हाँ, भोला भाला होता है ना, इसलिए बिल्ली से बहुत डरता है। अरे बच्चों, बहुत से लोग तो कबूतर पालते भी हैं। जानते हो वो पालतू कबूतर कहाँ रखते हैं? अरे उनके लिए जालीदार लकड़ी का दरबा बनवाते हैं। क्या बनवाते हैं? दरबा। दरबा, हाँ, जालीदार लकड़ी का दरबा बनाते हैं। रात को उन्हें बंद कर देते हैं छत के ऊपर, और छत के ऊपर लकड़ी की एक छतरी भी बनवाई जाती है। क्या बनवाई जाती है? छतरी। हाँ, जिस पर वे उड़ते उड़ते बैठ सकें। दादाजी, कबूतर तो बड़ा समझदार होता है। हाँ बच्चों, कबूतर बहुत समझदार होता है। ये बहुत ऊंचा और बहुत दूर तक उड़ता है। अरे पहले लोग तो पालतू कबूतरों से चिट्ठियां भिजवाया करते थे। क्या करते थे? चिट्ठियां भिजवाया करते थे। हाँ, कबूतरों से चिट्ठियां भिजवाया करते थे। ये तो बड़े काम का पक्षी है दादाजी। मैंने सलमा के घर चितकबरे और सफेद कबूतर देखे थे। लेकिन ज्यादातर इन कबूतरों का रंग सलेटी होता है, पर कबूतर सफेद, चितकबरे और भूरे रंग के भी होते हैं। अच्छा, तो प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों, आज मैं तुम्हें कबूतरों की कहानी सुनाता हूँ। हाँ जरूर सुनाओ दादाजी। हाँ तो सुनो। बच्चों, बहुत से कबूतर एक साथ आसमान में उड़ रहे थे। आगे आगे उनका सरदार और पीछे पीछे सारे कबूतर। सरदार? क्या कबूतरों का भी सरदार होता है? हाँ बच्चों, जो पशु पक्षी एक साथ झुंड बनाकर रहते हैं उनमें उनका सरदार जरूर होता है। तो इन कबूतरों का झुंड उड़ रहा था आसमान में। लेकिन सबकी नजर थी नीचे की ओर, जमीन पर। एक कबूतर ने कहा, देखो सरदार, वहाँ पेड़ के नीचे दाने पड़े हैं। सरदार ने ध्यान से देखा, बोला, जरूर किसी ने जाल बिछाया है, वरना यहाँ दाने कहाँ से आते? खबरदार, कोई नीचे मत उतरना। पर प्यारे बच्चों, कबूतरों के पेट में तो चूहे कूद रहे थे, यानी बहुत भूख लगी थी। उन्होंने अपने सरदार की बात न मानी और जमीन पर नीचे उतर आए, फिर लगे दाने चुगने। लेकिन बच्चों, उनका सरदार नीचे नहीं उतरा, वो एक पेड़ पर बैठ गया।
वहीं पेड़ पर बैठा बैठा उन्हें देखता रहा। तो बच्चों, इतने में एक छोटे कबूतर का पैर जाल में फंस गया। वो बुरी तरह पंख फड़फड़ाने लगा। दूसरे कबूतरों ने उधर देखा तक नहीं, वे दाना चुगते रहे। पेड़ पर बैठे सरदार ने देखा तो समझ गया सारी बात। पूछा, अरे क्या हुआ? एक कबूतर बोला, अरे मेरा पंजा फंस गया सरदार। दूसरा बोला, ओए होए मेरा भी पंजा फंस गया, अब मैं उड़ नहीं सकता। फिर तो सब कबूतर चीखने चिल्लाने लगे, अरे बचाओ सरदार, हमारे पंजे फंस गए हैं। अब तो सारे कबूतर फड़फड़ाने लगे। सरदार ने कहा, देखो तुम लोग जाल में फंस गए हो, मेरी बात तो तुमने मानी नहीं, पर अब घबराओ नहीं, हिम्मत से काम लो, सब एक साथ जोर लगाकर उड़ो तो जाल भी तुम्हारे साथ साथ उड़ने लगेगा। देखो मैं बोलूंगा, एक दो तीन, तीन सुनते ही सब एक साथ उड़ना, जाल उखड़ जाएगा। घबराना बिल्कुल नहीं, पंजे ही तो फंसे हैं, पंख तो नहीं फंसे। हाँ तो फिर तैयार, मैं बोलता हूँ, ठीक, एक दो तीन। तीन सुनते ही कबूतर उड़े, जाल उखड़ गया और उनके साथ साथ उड़ने लगा। और उन सबके आगे आगे उनका सरदार उड़ रहा था। जानते हो बच्चों, सरदार का दोस्त था एक चूहा। वो उसी चूहे के पास पहुंचा और अपने साथियों का जाल काटने को कहा। तो बच्चों, चूहे ने फटाफट जाल काट दिया, सब कबूतर बाहर आ गए और बड़े खुश हुए। सबने कान पकड़े और कहा, अब ऐसी भूल कभी नहीं करेंगे। कैसी लगी ये कहानी बच्चों? अच्छी। अच्छी, हाँ। अच्छा बच्चों, तो अब मैं चलता हूँ, कल फिर मिलेंगे। राम राम। दादाजी राम राम। है राम राम। दादाजी राम राम। और राम राम। दादाजी कल मिलाना। है जरूर आऊंगा। भाई वाह दोस्तों, आज तो दादाजी ने कबूतर के बारे में बताया। तो दोस्तों, आप कहो जय हिंद।